Hey, what's up guys? Welcome to my YouTube channel, IT Creators. तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा ऐसा 5 amazing smart LED projector, जो projector में smart Android feature मिलने के साथ साथ large screen में 4K picture quality भी मिलेगा। तो ये 5 amazing smart LED projector के बारे में और भी details में जानने के लिए, so guys, let's start this video. और IT Creators YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इन नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, आगे ऐसे गैजेट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेगा। नंबर 5, VIZIO प्रोजेक्टर। VIZIO is an analog projector. It is mobile, modular and compatible with every 35mm lenses. It is the smallest yet most powerful photo projector ever created. तो जैसे कि आपने VIZIO प्रोजेक्टर को देखा, ये VIZIO प्रोजेक्टर ऐसा एक पावरफुल प्रोजेक्टर है जिसका प्रोजेक्शन डिस्प्ले को किसी भी बड़े बिल्डिंग से लेके किसी भी बड़े चीज के ऊपर दिखा सकते हो। तो ये VIZIO जाइंट स्क्रीन प्रोजेक्टर एक्चुअली एक फोटो प्रोजेक्टर है जो आपका किसी भी फोटो, पेंटिंग एंड डिजाइन को इस प्रोजेक्टर के मदद से लार्ज स्क्रीन में दिखा पाओगे। एंड ये VIZIO फोटो प्रोजेक्टर को स्पेशली बनाया गया है फोटोग्राफर्स एंड ग्राफिटी डिजाइनर्स के लिए, बिकॉज ये फोटो प्रोजेक्टर के मदद से वो सभी लोग उसका डिजाइन या क्रिएटिविटी को बड़े बिल्डिंग के ऊपर या किसी भी बड़े स्क्रीन के ऊपर दिखा पाएगा। तो गाइस, ऐसा अमेजिंग प्रोजेक्टर अब पहली बार देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। नंबर 4, कैप्सूल नेबुला प्रोजेक्टर। आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी गैजेट का जमाने में किसी भी मूवीज को देखने के लिए हम सभी तो काम में लेते हैं हमारा स्मार्टफोन या लैपटॉप का, बिकॉज ये डिवाइस के मदद से आप कभी भी एंड किसी भी जगह में नेटफ्लिक्स या ऑनलाइन स्ट्रीम करके मूवीज को देख पाओगे। बट एक मूवी या वेब सीरीज को अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमारा मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन बहुत ही छोटा है। तो इसीलिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग स्मार्ट LED प्रोजेक्टर जिसको आप कोल्ड ड्रिंक स्कैन की तरह बहुत ही इजीली आपका पॉकेट में लेके कैरी कर पाओगे। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग कैप्सूल नेबुला स्मार्ट LED प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर में आपको मिलेगा 360 साउंड, एंड्रॉइड 7.1 ऑपरेटिंग सिस्टम, वाईफाई, ब्लूटूथ एंड कंटिन्यूअस 4 आवर वीडियो प्लेबैक टाइम। और गाइस, आप प्रोजेक्टर यूज करते हो या नहीं ये कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 3, डोकी प्रोजेक्टर। IPL से लेके फीफा वर्ल्ड कप का हर एक मैच को फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जाइंट स्क्रीन में अच्छे से एंजॉय करने के लिए हम सभी तो काम में लेते हैं प्रोजेक्टर का। तो फ्रेंड्स या फैमिली के साथ मूवीज देखने से लेके क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच या वीडियो गेम्स खेलने तक आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग स्मार्ट LED प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर में आपको मिलेगा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, 1080p HD पिक्चर क्वालिटी, 5G Wi-Fi सपोर्ट, 300 NC ल्यूमेन ब्राइट डिस्प्ले, 120 इंच लार्ज स्क्रीन, बिल्ट इन 5 वाट का लाउड स्पीकर, 8GB रैम, USB HDMI ऑक्स आउटपुट सपोर्ट। जो ये सभी फीचर्स मिला के ये डोकी स्मार्ट LED प्रोजेक्टर का प्राइस है $349, जो इंडियन मनी में होता है 24,000 रुपीज। अगर इसका प्राइस ज्यादा लग रहा है तो 2,300 रुपीज में एक पॉकेट साइज प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग किया है, जो वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, बीम स्मार्ट प्रोजेक्टर। हमारा रूम को थोड़ा लाइटिंग से ब्राइट करने के लिए हम सभी तो काम में लेते हैं ट्यूबलाइट एंड LED बल्ब का। तो इसीलिए आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग स्मार्ट LED बल्ब, जो बल्ब में आपको मिलेगा स्मार्ट HD प्रोजेक्टर फीचर। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग बीम स्मार्ट LED प्रोजेक्टर। तो ये प्रोजेक्टर में आपको मिलेगा 1080p HD पिक्चर क्वालिटी, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, 4 वाट ऑडियो लाउड स्पीकर, वाईफाई, ब्लूटूथ, 8GB रैम एंड स्मार्ट फीचर। जो इस प्रोजेक्टर में आप अलार्म सेट करके रखोगे तो हर सुबह आपको वेदर फोरकास्ट दिखाएगा। एंड ये बीम स्मार्ट LED प्रोजेक्टर को आपका टेबल के ऊपर में रख के आप दो तरीके से काम में ले पाओगे, एक LED लैंप की तरह एंड दूसरा प्रोजेक्टर की तरह। नंबर 1, ZTE स्मार्ट डिस्प्ले विद प्रोजेक्टर।
गाइस, आजकल का एडवांस टेक्नोलॉजी स्क्रीन टच स्मार्टफोन का जमाने में बहुत सारा डिवाइस का काम ये स्मार्टफोन अकेला ही कर देता है, जैसे कि रेडियो MP3 प्लेयर का बदले में म्यूजिक सुनना या टीवी के बदले में स्मार्टफोन में मूवीज देखना। तो इसीलिए आजकल स्क्रीन टच स्मार्टफोन का जमाने में आज आपको दिखाऊंगा ऐसा एक अमेजिंग स्क्रीन टच स्मार्ट LED प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर में आपको मिलेगा स्क्रीन टच डिस्प्ले विथ प्रोजेक्शन डिस्प्ले। सो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग ZTE स्मार्ट LED प्रोजेक्टर। तो ये स्मार्ट प्रोजेक्टर का ऊपर में टच स्क्रीन मिलने के वजह से ये प्रोजेक्टर को ऑपरेट करने के लिए कोई भी रिमोट कंट्रोलर या स्मार्टफोन ऐप का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रोजेक्टर का टच स्क्रीन में जो भी आप सिलेक्ट करोगे या चूज करोगे, उस चीज को आप प्रोजेक्शन डिस्प्ले में देख पाओगे। सो गाइज, ये अमेजिंग वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है, एंड मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे डैसिंग लगा। और ये वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करके आपका फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। तो स्क्रीन में मेरा प्रोफाइल पिक्चर को क्लिक करके IT क्रिएटर्स YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड स्क्रीन का A2 वीडियोस को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड टाटा टेक केयर।